अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्राओं और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार का कड़ा विरोध भी किया गया। परिषद की नेता और छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष लता भोजवानी ने कहा कि आज राजस्थान नारी उत्पीड़न में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हाथरस और बारा की घटना को अलग अलग बताते हैं। लता भोजवानी ने कहा कि घटनाएं कभी अलग नहीं होती, नारी उत्पीड़न सिर्फ नारी उत्पीड़न होता है और इसके खिलाफ तुरंत एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से महिला अपराध और बाल अपराध बढ़ रहे हैं वह चिंताजनक है और इसके खिलाफ छात्राओं को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्राएं सजग नहीं होंगी तब तक अपराधियों के हौसले यूं ही बुलंद होते रहेंगे और वह छात्राओं को और महिलाओं को शिकार बनाते रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजस्थान सरकार के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, राजस्थान में जो महिला उत्पीड़न की समस्या है, जो यौन शोषण की समस्या है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका पीछे क्या कारण है? और हम देखें अलवर जिले की यदि हम बात करें तो अलवर जिले में ही 2019 के यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 3,159 मामले जो है यौन उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। मैं आपको ये संख्या बता रही हूँ जो मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने मामले ऐसे होते होंगे जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती होगी या फिर प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है, या फिर हम बोले या किसी नेता के उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हम बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखते हैं कि किसी ना किसी कारणों से रह जाती है। इसमें चाहे छात्राओं का, महिलाओं का जागरूक ना होना माना जाए या फिर उनका डर जाना माना जाए। तो इसीलिए मैं ये छात्राओं से भी आह्वान करूंगी कि डरना नहीं है, हमें हमारे अस्तित्व के लिए खुद ही आकर खड़ा होना होगा।